एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एक और न्यू गेम प्ले वीडियो में। और आज हम एक बार फिर से खेलने जा रहे हैं हाइड्रोनियर। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि हमने फार्मिंग स्टार्ट कर दी है। पिछली बार हम थोड़े बहुत सीड्स लेके आए थे टमाटो के और कैरेट के। कैरेट के तो दो ही लेके आया था मैं, टमाटो के ज़्यादा थे। और एक मिनट रुको, यहाँ पे एक टमाटो लग भी चुका है, इसको ना मैं डाल देता हूँ अपना कहाँ गया ये वाला पैन में। इसमें ना थोड़े बहुत टमाटो, लगभग 8-10 टमाटो पड़े होंगे और 5-6 कैरेट है। कैरेट मेरे को थोड़ी मिली क्योंकि कैरेट की सीड हमने कम लगाए थे, लेकिन जो टमाटोज है ना उसके प्लांट अपने पास काफ़ी सारे हैं, बट और टमाटो अभी लगे नहीं है। थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा, लेकिन अभी ना इनको पानी देने की जरूरत तो है नहीं क्योंकि पानी अभी थोड़ी देर पहले मैंने इनको दिया था। अब देखो, फार्मिंग हमने दो चीज़ों के लिए स्टार्ट करी थी। एक तो हमने इसलिए स्टार्ट करी ताकि अपने पास क्या कहते हैं साइड बाय साइड थोड़ा सा और पैसा हो जाए, और दूसरा रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न ये था कि हमें टोकन चाहिए थे। तो टोकन्स हमें तब मिलेंगे जब हम जो अपने टास्क है ना वो कंप्लीट करेंगे, और वो टास्क कंप्लीट करने के लिए हमें जो वेजिटेबल्स है वो चाहिए। लेकिन अभी देखो, मुझे ना एक और मशीन बिल्ड करनी है, लेकिन मशीन को बिल्ड करने से पहले ना मुझे थोड़ा से पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि थोड़े से और मैं सीड्स खरीद लूँ, और पैसों की भी और भी ज़्यादा ज़रूरत है। तो मेरे पास ना एक नेकलेस पड़ा है गोल्ड का और एक गोल्ड की रिंग पड़ी है। पिछली बार मैं इन दोनों को बेचने गया था, लेकिन क्या था उस समय ना डिमांड काफ़ी लो थी, तो मैंने सोचा जब डिमांड बढ़ेगी तब मैं बेच दूंगा। लेकिन अभी ना मेरे पास भाई एक भी पैसा नहीं है, एक रुपया भी नहीं है। तो अगर डिमांड बढ़ेगी या फिर कम भी होगी ना, फिर भी मुझे इसको बेचना पड़ेगा, क्योंकि अभी पैसे की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। अब देखो, वहाँ पे अगर डिमांड कम होगी ना, क्या कहते वो जगह है ना स्टॉक मार्केट, तो हम एक काम करेंगे वहाँ नहीं बेचेंगे, क्योंकि डिमांड कम है तो पैसा कम ही मिलेगा। लेकिन हम ज्वेलर पे बेचेंगे ना तो थोड़ा सा ज़्यादा हमें पैसा मिल सकता है। चलो वो तो चल के हम देख ही लेते हैं। तो उसके लिए जाना पड़ेगा हमें स्टॉक मार्केट में, और उसके बाद जब अपना पैसा हो जाएगा ना, तो थोड़ी बहुत चीज़ें मुझे आज और ख़रीदनी है। सबसे पहले रुको, यहाँ से लेफ्ट जाना ना भाई, ठोकना नहीं है इसको, बच गई। चलो यहाँ से निकालते साइड में से, और वो ही सामने स्टॉक मार्केट चलते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि डिमांड दूर से वैसे पता और कम है डिमांड। भाई कितने परसेंट से कम है, ज़्यादा कम भाई तो कुछ ज़्यादा कम है, 89.6%। भाई अगर 98-99 होती ना फिर भी मैं भेज देता, लेकिन ये तो 89 जा रखी है तो मुझे और पैसा कम मिलेगा। एक काम करते हैं इसको, सर वो बच गया, ठीक है ऐसे साइड से निकालते। अबे भाई साहब उसको कहाँ उड़ा के मारा भाई, ये तो कुछ ज़्यादा दूर उड़ गई। एक मिनट, वो वहाँ से वापस आ रही है, लेकिन चलो शुक्र है उसको कुछ हुआ नहीं। भाई कुछ ज़्यादा दूर चलेगी वो, लेकिन चलो मैं यहाँ पर एक ज्वेलर है तो मैं उसको भेज देता हूँ अपने नेकलेस और रिंग। एक ये देखो ये रहा ना, तो अपने जो नेकलेस है इसको निकालते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा महंगा है भाई। कितने मिल रहे हैं इसके बदले, रुको मैं रिंग भी उठा के ना पहले ये भी रख देता हूँ, दोनों को देखते हैं कि दोनों के बदले हमें कितने ये पैसे देगा। इसको भी रख देता, ठीक है पता ज़्यादा मसी का। 4963, ठीक है भाई काफ़ी सारा पैसा हमें मिल चुका है। ओके कुछ नहीं कह रहा भाई, रुको यहाँ से मुझे निकालना दो गड्डी अपनी। एक मिनट, वो दोबारा से ना ठुक जाए भाई, साइड में से चली जा। नहीं ये तो कोई और है ना, ओ वेट वो वहाँ से आके तो कोई यही है ना वो जिसको मैंने ठोका था। सॉरी भाई माफ़ कर दो हमें, हम यहाँ से निकलते हैं। हाँ यही है भाई, वो वहाँ से आ रही थी। चलो अब एक काम करते हैं, अब इसको यहाँ से लेके निकलते हैं। और हमें, आपको पता होगा कि हमें 300 किलो आयरन चाहिए अगर हमने एक नई ड्रिल मशीन बिल्ड करनी है, मतलब उसको अपग्रेड करना है। हमने खरीद तो ली थी लेकिन हमने उसको अपग्रेड करना, तो इसलिए उसके लिए 300 जो आयरन है, 300 किलो आयरन वो चाहिए। और उसके लिए मेरे पास लगभग 250 किलो हो चुके, और मेरे को सिर्फ 50 किलो आयरन और चाहिए, और वो भी लगभग थोड़ी देर में इकट्ठा हो जाएगा क्योंकि अपनी जो मशीन है वो वर्क कर रही है काफ़ी टाइम से। तब तक एक काम करते हैं, यहाँ से ना मैं थोड़े से सीड्स लेके चलता हूँ क्योंकि मुझे अभी सीड्स की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं एक काम करता हूँ, ऐसे ना लगभग 10-12 सीड्स लेके चलते हैं, 10-12 सीड्स के पैकेट। और खाली सीड्स नहीं, मुझे थोड़े से इक्विपमेंट भी चाहिए। ये है देखो अपना सीड मिल, और ये है कुकिंग पॉट, ठीक है इसमें ना हम एक मिनट पानी वगैरह डाल के हम इसमें, ठीक है इसमें हम खाना पका सकते हैं। और ये स्टोव है, इसके ऊपर ही हम जो पॉट है वो रख के खाना पका सकते हैं। और ये है एम्प्टी सूप बाउल, अच्छा इसमें हम सूप वगैरह सर्व कर सकते हैं। तो मैं काम करता हूँ, ये जो आइटम है ना वो मैं खरीद लेता हूँ क्योंकि इसी की ज़रूरत पड़ेगी। हम खाली वेजिटेबल ऐसे नहीं बेचेंगे, ऐसे वो लेंगे नहीं, उनको हमें सूप बना के देना पड़ेगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये जितनी भी सामग्री है ये सारी मुझे खरीदनी पड़ेगी। चलो शुक्र है ज़्यादा महंगी नहीं है भाई, ये 40-40, 50-50 कॉइन की मिल रही है। एक मैं ये भी ले लेता हूँ कुकिंग नाइफ, अच्छा ठीक है उससे पीस पीस कर सकते हैं ना ताकि हम उसका वो जो सूप है वो बना सकें। मैं बाउल एक काम करता हूँ, दो ले लेता हूँ, एक से काम नहीं चलेगा, हम एक और ले लेते हैं और टोटल इसका। या फिर एक मैं काम करूँ और कुछ, ये तो अभी ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक सोच रहा हूँ कि यहाँ पे ना, एक सेकंड रुको, वेट वाला भी होता है मतलब तोलने वाला ना दूसरा, एक तो अपने पास पड़ा है लेकिन यहाँ पे नहीं है वो।
आई थिंक वो मुझे कहीं और मिलेगा, उस मार्केट में जाना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, हम वो चल के वहाँ से ले लेंगे। तब तक के लिए मैं ये खरीदता हूँ। 332 भाई, काफ़ी सस्ता मिल गया हमें सामान। चलो इनको अभी फटाफट से अपने ट्रक में लोड करते हैं, उसके बाद इसको लेके चलते हैं। और फिर हमें ना किसी बंदे को पकड़ना पड़ेगा जिसको सामान चाहिए, मतलब जो टमाटो सूप या फिर कैरेट सूप जिसको चाहिए ना, तो उस बंदे को हमें देखना पड़ेगा। तो अभी चलते हैं, कोई नहीं, सामान रखते हैं सबसे पहले। और ये पड़ा है एक एम्प्टी बाउल, इसको भी रखते हैं। और एक बाउल और बचा, उसके बाद तो कुछ नहीं बचा ना। नहीं नहीं, वो स्टोव पड़ा भाई, वो स्टोव भी लेके चलना है, तो उसको भी उठाते हैं। ठीक है, लास्ट सामान है, इसको भी ट्रक में लोड करते हैं और फटाफट से इसको यहाँ से लेके निकलते हैं। और फिर उसके बाद ना अपने पास जब आयरन इकट्ठा हो जाएगा, एक मिनट रुको, मैं इसी से टास्क ले लेता हूँ। इसको क्या चाहिए, 21 भाई? नहीं यार, 21 तो ज़्यादा हो जाएगा, 21 तो कुछ ज़्यादा हो गया भाई। मेरे पास इतना टमाटो नहीं है यार, टमाटो काफ़ी कम है, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया। एक मिनट रुको ना, कुछ बचा तो नहीं है ना यहाँ पे। मैं पैसे तो ले लूँ भाई अपने वापस, पैसे तो लेके जाने हैं, इसको लेके चलते हैं। और मैं उसके बाद कह रहा था ना कि उसके बाद हम जो अपनी ड्रिल मशीन है ना, उसको अपग्रेड करवाने चलेंगे। पहले अपना जो ये वाला छोटा मोटा काम है ना, पहले हम वो ख़त्म करते हैं। चलो फटाफट से यहाँ से अपने ट्रक को लेके निकलते हैं। चलो अभी मैं सारा सामान लेके पहुँच चुका हूँ, और अब एक काम करते हैं, सारा सामान पहले नीचे उतार लेते हैं अपने ट्रक से। तो सबसे पहले यहाँ पे जो ये पड़े ना, क्या कहते हैं, कुकिंग सॉरी एम्प्टी बाउल, सूप बाउल, तो इसको यहाँ नीचे रख देते हैं। अपने पास दो है ना ये। और एक मिनट रुको, अपने पास पैसे ना पहले लेके चलता हूँ मैं। पैसों से ना पहले मुझे वो खरीदना है यार, एक सेकंड, कहाँ गया वो, क्या कहते हैं उसको, उसका नाम क्या भाई, जिसमें हम वो रखते हैं चीज़ें, क्या कहते हैं इसको, ठीक है, टूल रैक, टूल रैक। तो ये मैं खरीदता हूँ, क्योंकि भाई वहाँ पे ना काफ़ी कबाड़ा हो चुका है यार। शवल इधर पड़ी है, हैमर इधर पड़ा है, तो पहले उसको एक जगह से सेट करके रख देता है। देखो कितना कबाड़ा लग रहा है ना, तो इसको मैं पहले यहाँ पे रखता हूँ। ठीक है, ये जो सो है पहले रखते हैं इसको यहाँ पे। और उसके बाद ये वाला हैमर भी मैं इसको मार देता हूँ ताकि वो हिले ना, इसको रख देता है यहाँ पे। और उसके बाद एक सामान और आ जाएगा, इसी को उठा कर रख देते हैं, तीसरा भी आ जाएगा। चलो और कुछ तो नहीं पड़ा ना साइड में, बाकी ये सब तो यहाँ पे इसके ऊपर रख देते हैं इसको। और उसके बाद अब हम सामान जो है ना, वो सबसे पहले अपना नीचे उतार देते हैं। एक अपने पास कुकिंग पॉट है, इसको भी रखते हैं यहाँ पे नीचे। अब देखना है इसको कैसे हम इसमें क्या क्या कैसे कैसे यूज़ करना है हमने। ठीक है, तो इसको पहले मैं नीचे रखता हूँ। उसके बाद अपने पास एक कुकिंग पॉट और है, इसको भी रखते हैं नीचे। और एक बचा अपने पास ये कुकिंग नाइफ, तो इसको भी रख दिया जाए। इसको ना मैं रुको में पहले लगा देता हूँ, इसको हम लगाएंगे फर्नेस के साथ में, लगाते हैं ना ये दोनों जलते हैं ना, तो एक साथ में रह जाएंगे। और उसके बाद इसको साइड में करके ना इसको हटाना पड़ेगा। इसको ना मैं ग्राइंडिंग व्हील को कहाँ रखें हम, इसका भी काम होता है क्योंकि, तो इसको मैं काम करता हूँ यहाँ पे ऐसे पीछे लगा देते हैं हम, जो जैम है ना उसको ऐसे शेप दे के हम सीधा उससे कुछ क्राफ्ट कर लेंगे। और उसके बाद ये जो है ना, ये हमने शैसे इसके ऊपर रखना है ऐसे करके। हाँ, ये ऐसे आ जाएगा परफेक्टली। ठीक है, ये ऐसे आ जाएगा। वो भाई थोड़ा गर्म भी हो गया था इतनी जल्दी। और अब एक काम कर राजा, रुको सबसे पहले मैं देखूँ कि कोई बंदा अपने से टास्क, हाँ एक मिनट, ये एक बंदा एक अपने आस पास, ये कहाँ पे है, ये बहुत ज़्यादा करीब है, ये ऊपर साइड है, एक मिनट, नहीं वहाँ नहीं है भाई, ये इस साइड है, यहाँ पे ऊपर साइड दिखा रहा है भाई, ऊपर कौन बंदा होगा, एक मिनट रुको, यहाँ कहीं दिखा रहा है ऊपर साइड में, ऊपर शायद से पता नहीं हो या फिर ना हो। मैं काम करूँ तो आगे जाते हैं, आगे भी देखो दो वो आ रहे हैं ना, क्वेश्चन मार्क नहीं, वैसे मार्क से आ रहे हैं। तो एक तो ये रहा, ठीक है, एक तो ये रही 20 वेट, नहीं यार 20 तो ज़्यादा हो गया भाई, कम वाला नहीं है यार का कोई। एक और अपने आस पास में यहाँ पे कहीं, कहाँ है, ये रहा। ठीक है, इसको कितना चाहिए, इसको 8 चाहिए इसको। एक काम करें, मैं इसी से वो ले लूँगा, इसी से ले लेते हैं भाई, 8 चाहिए ना, 8 तो अपने पास आई थिंक हो जाएंगे, 8 इसको मैं ले लेता हूँ। ठीक है, इसका टास्क ऐसा, इससे ऐसे पकड़ना है। और एक बार इसको पढ़ लेते हैं क्या क्या लिखा है इसमें। आइटम है सूप बाउल, ठीक है, उसके बाद रिक्वायरमेंट्स है 8 कट टमाटो, अच्छा ठीक है। और एक मिनट रुको, ये ऊपर क्या लिखा है, ऑल कंटेंट्स आर बाय वेट नॉट क्वांटिटी, अच्छा ये भी सिस्टम है कि हमें उसको 8 टमाटर नहीं देने सीधा उठा के, हमें उसकी जो क्वांटिटी है ना, जो उसका हम वेट करेंगे तो वो 8 होना चाहिए, तब उसके बाद उसका सूप बनाना है, हमें ऐसे नहीं देना, हमें उसको जो सूप बाउल है ना जो हम लेके हैं उसमें उसको सर्व करके देना है। ठीक है भाई, ये भी हम करते हैं, इसके बदले हमें टोकन्स मिलेंगे, तो टोकन्स काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। एक टमाटर का वेट कितना है, एक सेकंड रुको, पहले मैं दो रखने, एक मिनट भाई ये तो नीचे ही गिर गया, इसको उठा लेते हैं, इसको भी रखते हैं यहाँ पे, दो आ तो जाना चाहिए भाई, इतनी जगह है भाई। ठीक है, दोनों को मैंने रख दिया। और अब एक काम करते हैं, इसका वेट है 3.14 लगभग, एक का वेट मतलब 1.5 है। ठीक है, और अब एक काम कर, 1.5 से थोड़ा सा ज़्यादा, तो मुझे 8 बनाना ना इसको, तो मैं चलो इसको रख देता हूँ, क्योंकि अपने पास ज़्यादा टमाटर है नहीं, इसलिए मैं थोड़ा वेट नाप तोल के रखना पड़ेगा। 3 रखते हैं यहाँ पे, ये 4.31 हो गया। उसके बाद एक रख देते हैं हम और, यार ऐसे तो ये नीचे गिरते रहेंगे, देखो ऐसे, वो चलो ये भी आ गया, ओके कितना 6.21 हो गया ये। और एक अगर मैं और डालता हूँ,
हाँ तो कितना हो जा रहा है, 8.23 हो जा रहा है, ठीक है, पाँच में अपना काम हो जा रहा है, इसका मतलब पाँच में अपना काम हो जाएगा। तो अब ना इसको रुको ऐसे नीचे हमें ऐसे रख देना है इसके, और उसके बाद वो जो कुकिंग नाइफ हम लेके आए ना इसको काटना है, ठीक है, इसकी मदद से ना टमाटर है इनको ऐसे चॉप कर देना है हमने, ताकि इसकी मदद से सूप बन सके। 3, 4 और एक और था, 5 हो गया क्या, एक मिनट रुको, नहीं इसमें नहीं डालना, वो कहाँ कुकिंग पॉट है इसमें डालना हमने, एक इसमें रुको इसको मैं यहाँ रखता हूँ, 2, 3, 4 अच्छा पूरे 5 हो गए, ठीक है ठीक है। और अब एक काम करना है हमने इसमें ना हमें पानी डालना है, तो मैं पहले वेट देख लूँ, अगर इसका 8.23 बन रहा है तो हमने पानी डालना तभी इस तभी जाके इसका सूप बनेगा, ऐसे तो बनेगा नहीं भाई, ऐसे तो पूरा जल जाएगा वो। अब इसको चल के रखते हैं हम इसके ऊपर, ना पानी, हाँ ठीक है पानी जा चुका है, इसको रख देते हैं हम इसके ऊपर, ओके आई थिंक ये वर्क करे, हमें ऐसे रखना था शायद से इसको। और अपने पास कितना हो गया, एक मिनट रुकना भाई बंद करना इसको, कितना हो गया, लैग हो रहा क्या, लैग हो रहा है, इसका मतलब काफ़ी सारा अपने पास जो ओवर है वो इकट्ठा हो चुका है। चलो इसको हम सेपरेट कर देते हैं, सबसे पहले इसको लगाता हूँ मैं एक यहाँ पे, एक बार इसको ना टेस्ट कर लेते हैं, वेट रुको एक काम करता हूँ मैं इसको, ओ भाई सब कुछ ज़्यादा तगड़ा लैग हो रहा है भाई, इसका मतलब ज़्यादा अपने पास हो चुका है, इसको मैं डालूँ ना, आटे का बिल्कुल परफेक्ट है, इसको हटा देते हैं, इस वाली बकेट को यहाँ रखते हैं, इसमें भी काफ़ी सारा भाई वो इकट्ठा हो चुका है शार्ट वगैरह, इसको मैं उठा के ना रख देता हूँ इसके यहाँ यहाँ पे, ठीक है। और अब एक काम करते हैं, अब गोल्ड उठाते हैं, गोल्ड को नीचे ऐसे रख देते हैं, बाद में काम आ जाएगा, बकेट को उठा के बस सामान इधर उधर ना गिरे, सीधा इसके अंदर ही गिरना चाहिए, इसके अंदर सॉर्टर के अंदर, परफेक्ट भाई बिल्कुल परफेक्ट। देखो अपने पास काफ़ी सारा भाई, काफ़ी सारा आयरन हो गया, एक गोल्ड का पीस भी है, इसको डालो इसमें भाई, काफ़ी सारा आयरन हो गया, एक मिनट रुको भाई, ये हो चुका है, एक ही हो चुका है, देखो ओ भाई सूप बन गया। अब इसको ना हमने उसमें डालना है, इसमें बाउल में, ठीक है हमने सूप बना दिया, और इसमें भाई इसमें और है, फिर ऐसे गरम गरम वो मतलब हीट हो रखा है ज़्यादा ही, आई थिंक ज़्यादा हीट हो रखा है, मैं एक बार देख लेता हूँ, नहीं भाई और नहीं है इसमें, वो हीट हो रखा है ना तभी इतना लाल लाल सा दिख रहा है। चलो इसको लेके चलते हैं, इसको जाके उसको सर्व कर देते हैं भाई, अपना एक जो टमाटो सूप है वो बन चुका है 8.2, वैसे हम थोड़ा ज़्यादा दे रहे हैं, उसमें 8 ही मांगा था लेकिन हम उसको थोड़ा सा ज़्यादा दे रहे हैं, कोई बात नहीं भाई पहला ग्राहक है तो थोड़ा चलता है भाई, कोई चक्कर नहीं, दे देते हैं। ये कहाँ था, ये नहीं, ये तो नहीं थी, ये तो 20 किलो मांग रही थी भाई, नहीं तेरे को बाद में दूंगा, रुक जाता, अभी इतना टमाटर है नहीं मेरे पास में, भाई ये ले भाई तू ले ले, एक काम कर ये ले, अबे पी गया, अच्छा ये ले 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 टोकन ले, कितने दिए इसने, 63, ओके नाइस। देखो ये टोकन है और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, काफ़ी ज़्यादा इनकी ज़रूरत हमें पड़ने वाली है, क्योंकि काफ़ी सारा आइटम है जो कि हम टोकन से खरीद सकते हैं, पैसों से नहीं, इसलिए मैं जो टास्क है ना मैं सोच रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी मैं कर सकूँ, ताकि जो आइटम है मैं खरीद के लेके आऊँ। तो अब एक काम करते हैं, इसको मैं जाके रख देता हूँ भाई, उसने तो साथ ही साथ सूप भी पी लिया था, चलो बढ़िया है भाई, और इसको रख देता हूँ यहाँ पे। और अब एक काम करा जाए, टमाटर और उगे क्या, इनको पानी की आवश्यकता है या फिर नहीं, अभी तो भाई ज़रूरत नहीं, अभी तो भाई मिट्टी पूरी गीली हो रखी है, इसका मतलब अभी ज़रूरत नहीं है। मैं वाटरिंग कैन अब लेके आ सकता हूँ, अपने पास 63 कॉइन्स हो चुके हैं ना, टोकन्स कॉइन्स नहीं टोकन्स, तो मैं जाके एक लेके आऊँगा वाटरिंग कैन, उसकी ज़रूरत है अभी, इसको मैं काम करता हूँ फिलहाल डालता हूँ इसके अंदर, रुको डॉट देख के डालना पड़ेगा, वो भाई साहब बिल्कुल परफेक्ट भाई, सिर्फ एक ही गिरा यार, चलो इसको डाल देते हैं इसमें, तो अगर ज़्यादा गिरते ना फिर तो समस्या हो जाती भाई साहब, काफ़ी तगड़ी समस्या हो जाती है उनको उठा उठा के रखने में। तब तक एक काम करा जाए, वो जब तक रेडी हो रहा ना तब तक मैं काम करता हूँ अपने वो है ना क्या कहते हैं दूसरे वाला जो टास्क है, नहीं टास्क नहीं सॉरी मैप है, अपना मैप लेके आता हूँ मैं, ताकि जो दूसरे टास्क है ना मैं वो करूँ, क्योंकि इसको तो 20 चाहिए, 20 अपने पास है नहीं यार, अपने पास थोड़ा सा ही है, तो मैं मैप लेके आ जाता हूँ, किसी दूसरे के हम कस्टमर को ढूंढते हैं, ठीक है फिर उसको जाके हम सर्व करेंगे उसका जो सामान वगैरह होगा। एक मिनट रुको, इसने कुकिंग पॉट भी वापस कर, सॉरी एम्प्टी बाउल, भाई बाउल भी वापस कर देते हैं फिर तो सही है यार, फिर तो देखो हमें और बाउल खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर इसमें देखा जाए ना तो एक बंदा ना, एक मिनट यहाँ से सामने जाके यहाँ से ऊपर साइड दिखा रहा है यार, यहाँ पे कौन है भाई, यहाँ तो खाली ऊपर ही पहाड़ी सी है, पेड़ पौधे, यहाँ पे भी कोई बंदा है क्या, अबे है एक बंदा, कितना चाहिए इसको, 12 तो नहीं होगा भाई अपने पास, या फिर मैं देख लूँ, क्योंकि 5 में 8 बन गया तो मेरे पास कितना बचा होगा अभी मुझे देखना पड़ेगा, रुको टमाटर निकाल के देख लेते हैं, मैं ना निकालता हूँ इनको, सबसे पहले निकाल के ना नीचे रखता हूँ मैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एक मिनट, एक कैरेट खा ली मैंने, 9 भाई हो जाएगा आराम से हो जाएगा, फिर तो 12 तो हो जाना चाहिए यार। मेरे को मैं एक काम करता हूँ, इनका सबसे पहले वेट तो ऐसे होएगा नहीं है, क्योंकि भाई ज़्यादा मैं इसके ऊपर रख नहीं पाऊँगा, मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं ना सबसे पहले अगर मैं एक चीज़ करूँ, देखो ये कितना 4.9 है, लगभग 5 हो गया, ये 3 में 5 हो गया, तो मैं एक चीज़ सोच रहा हूँ कि अपना जो कुकिंग पॉट है ना कहाँ रख दिया मैंने भाई, इधर ही तो था अभी, अच्छा ये रख पीछे पीछे रखा है मैंने, इसको उठाते हैं, ठीक है सबसे पहले ना मैं सोच रहा हूँ इसको ना हम चॉप कर देते हैं,
कि जो अपने टमाटोस ना इनको चॉप करके हम कुकिंग पॉट में डालते हैं, फिर उसके बाद हम सीधा वेट नाप लेंगे क्योंकि कुकिंग पॉट तो हमने एक ही रखना ना, ऐसे टमाटर में ज़्यादा रखने पड़ रहे हैं तो वो उसके ऊपर आ नहीं रहे, तो ऐसे इसको नहीं रखना भाई, इसको नहीं रखना, इसको यहाँ रखना है। इसको मैं डालता हूँ इसमें, ठीक है। अपने पास ना जो थोड़े से टमाटर और पड़े हैं इनको भी मैं चॉप कर देता हूँ, इसको भी ठीक है। इतने में मैं इतने तोल के देखता हूँ भाई, इतने कितने हो जाएंगे, इतने 12 हो पाएंगे या फिर नहीं। इसको उठाते हैं, इसको भी डालते हैं इसके अंदर, और अब वेट अगर हम नापें इसका कितने होगी, वह रुक जा भाई, इसके ऊपर आ जा 9.47। अभी नहीं, अभी मुझे और काटने पड़ेंगे 10-11, अब तो हो जाना चाहिए। अब मैं देख लेता हूँ, अब तो हो जाएगा 12 आई थिंक। इसको भी डालते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब तो इसको रखना है इसके ऊपर, ठीक है। 12.5 हो गया, कोई चक्कर नहीं भाई, पूरा हो चुका है। रुको, इसको मैं इसमें डाल देता हूँ, ठीक है। ये भी गया इसके अंदर, और बाकी अगर इसका हम वेट अगर तोले ना, तो इसका वेट कितना हो जाएगा, कितना गया ये भाई, पूरे 100 किलो का हो गया। हमें तो सिर्फ 50 चाहिए था। एक मिनट रुको, इसको हमने काटना पड़ेगा, आधा पीस करना पड़ेगा इसका। तो इसको हम ऐसे कर देते हैं, कट कर देते हैं, ठीक है, हाफ कर देते हैं, और उसके बाद इसको उठा के रखते हैं इसके ऊपर, ठीक है। 50 point something बन रहा है, और अगर इसको मैं रखता हूँ ना, 306 किलो बन रहा है। हमें सिर्फ 300 चाहिए था। चलो बहुत बढ़िया भाई, 300 से थोड़ा ज़्यादा हो गया, कोई चक्कर नहीं। इसको भी डालते हैं इसके अंदर भाई, बड़ी जल्दी स्मेल्ट हो गया भाई दोनों। अच्छा, काफ़ी ज़्यादा हीट हो रखा है ना क्रूसिबल, इसीलिए इसको डाला इसके अंदर। और अब इसका अगर हम वेट ना पे ना, ठीक है, 300 से ज़्यादा है, 306 कुछ है, तो इसको रखता हूँ अपने पास में ट्रक में। और उसके बाद अपनी जो वो है ना, क्या कहते हैं, ड्रिल मशीन का ये रही, इसको भी लेके चलते हैं, ठीक है। इन दोनों को लेके चलते हैं। सबसे पहले जाके ना हम ये जो ड्रिल मशीन है ना, उसको हम वो अपग्रेड करके लाते हैं। फिलहाल पहले मैं इसमें थोड़ा सा पानी भर दूँ, ताकि उसका जो टास्क है ना, मैं वो कंप्लीट कर पाऊँ। उसको भी जाके ना हम जो सूप है ना, वो जितना दे के आते हैं, ताकि उससे भी मेरे को थोड़ा सा टोकन मिल जाए। भैया यार, इसको भी तो स्टार्ट करना था, मैंने मशीन स्टार्ट ही नहीं करी। चलो कोई नहीं, अभी मैं काम करता हूँ। गोल्ड भी ना इसमें मैं डाल देता हूँ, ठीक है। हम गोल्ड का भी जो बार है ना वो बना, अभी सीधा हो जा भाई, इधर रखते हैं, ठीक है। अब गोल्ड के जो इंगट्स है ना, उसको भी हम डालते हैं इसके अंदर। और उसके बाद अब एक काम करते हैं, नहीं सॉरी, नगट होते हैं, मैं इंगट बोलता हूँ बार बार इनका। अब इसको थोड़ा सा स्मेल्ट होने देते हैं, बाकी इसको मैं वापस से रख देता हूँ यहाँ पे। और उसके बाद इसको हम रखते हैं, एक मिनट को, थोड़ा सा ज़्यादा आगे हो गए, ये आएगा यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद इसको रखते हैं हम इसके ऊपर, और उसके बाद जो दूसरे वाला पैन है, ठीक है, इसको हम रखते हैं यहाँ पे, इसके साइड में, ये थोड़ा सा टेढ़ा होगा ना वहाँ, यहाँ पे। चलो बिल्कुल सही हो चुका है ये। और अब एक काम करा जाए, इसमें वो तो पड़ा है बार, अभी शार्ड का पड़ा है। फिलहाल ये तो स्मेल्ट हो चुका है, इसको हम डालते हैं इसके अंदर, देखते हैं कितने किलो का जो अपना गोल्ड का बार है ना, वो हो चुका है। इसको मैं रखता हूँ इसके ऊपर, ठीक है, 61 भाई साहब, बहुत बढ़िया। और अपना ये भी बन चुका है, इसको मैं रुको इसमें डालता हूँ ना इसके अंदर, ठीक है। अब फटाफट जाके उसको ना देख के आते हैं हम, वो बनता यहीं पर ऊपर था ना, फटाफट से जाके उसको देख आते हैं। थोड़े से टोकन हमें इससे भी मिल जाएंगे। कहाँ था ये, कहाँ था, इधर ऊपर था क्या? अच्छा यहीं पे था, कहाँ चले गए? ओ भाई कहाँ गया? हेलो भाई, कहाँ गया भाई? यार अभी तो यहीं था, ये कहाँ भाग गया? एक सेकंड भाई, ये तो एकदम से गायब हो गया यार। रुको मैं मैप में एक बार देख लूँ वापस से, मैप कहाँ गया मेरा? अच्छा ये तो पड़ा यहाँ पे। नहीं भाई, ये तो यहाँ से गायब ही हो गया, लेकिन ये क्यों, ये गायब क्यों हुआ भाई? यार इसको तो अब मैं क्या करूँ, इसका क्या करूँ मैं अब यार, ये तो समस्या होगी भाई। अच्छा रात हो रही ना, तो शायद से वो घर चल गया होगा अपने। यार मुझे पहले उससे वो जो पर्चा है ना वो ले लेना चाहिए था। चलो अब वो सूप का मैं क्या करूँ, चलो किसी और को दे देंगे हम, बस वो ख़राब ना हो जाए, क्योंकि अगर ख़राब हुआ फिर तो भाई अपना यार नुकसान हो जाएगा यार। चलो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से जो अपने पैसे हैं ना, पहले वो उठा लेता हूँ मैं, ठीक है, उनको लेके चलते हैं, क्योंकि वहाँ से ना हम थोड़ा बहुत जो और सामान है ना, मैंने गलती कर दी भाई, मैं सीड्स वहाँ से लेके नहीं आया। मैंने इक्विपमेंट्स ले लिए, लेकिन मैंने सीड्स नहीं खरीदे। चलो कोई चक्कर नहीं, अभी वहाँ से आते समय जब हम अपनी ये ड्रिल मशीन है उसको वो करवा लेंगे ना अपग्रेड, तब हम लेके आ जाएंगे अपने हम जो टोकन्स है ना वो भी लेके चलते। 63 हमने सिर्फ इससे ना एक वाटरिंग कैन खरीदना है, ज़्यादा कुछ नहीं खरीदना, बाकी तो मुझे इकट्ठा करना है। पहले मैं सो जाता हूँ, ठीक है, कह रहा सोते हैं क्योंकि अभी रात हो रही है ना, तो सो जाते हैं और उसके बाद सुबह उठ के चलेंगे, ठीक है भाई। चलो अगला दिन जो दिन है वो स्टार्ट हो चुका है, और अब एक काम करते हैं, और हमें कुछ तो लेके जाना नहीं है ना, सारे सामान तो मैंने रख लिया अपने ट्रक में। अभी ऐसे अपने ट्रक को लेके निकलते हैं हम, और अभी हमें जाना उसी भाई माइन में, ठीक है, वहीं पे जो अपनी मशीन है ना उसको हमने अपग्रेड करना होगा। और आते समय वापस तो हम वहाँ से सीट्स ले लेंगे, तभी फटाफट चलते हैं अपने ट्रक को लेके उसी जगह पे। चलो अभी मैं अपने ट्रक को लेके पहुँच चुका हूँ उसी लोकेशन पे, जहाँ पे हमने अपनी जो मशीन है उसको अपग्रेड करना है, यही वो जगह आपको याद होगी। तो अभी अपने ट्रक को हम यहीं पर लगा देते हैं, और ये जो सामान है ना हमें नीचे रखना होगा, मतलब नीचे हमें लेके जाना होगा। तो सबसे पहले अपने जो ड्रिल मशीन है ना इसको लेके चलते हैं, और इसको यहीं से नीचे फेंक देंगे, नीचे ले जाने की जरूरत नहीं है, इसको यहीं से काम करते ऐसे फेंक देते हैं, अपने आप ही नीचे चल जाएगी। उसके बाद हमें चाहिए होगा अपना आयरन, ठीक है, आयरन का बार कहाँ गया ये,
इसको लेके जाना है और किसी चीज़ को ले जाने की ज़रूरत है क्या? नहीं है मेरे ख्याल से, तो नहीं है जितना मुझे याद है, हमें सिर्फ इन्हीं दोनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो अब इसको लेके चलते हैं, ठीक है। और देखो इस आयरन बार को ना हमें उसके अंदर डालना होगा, उसके वहाँ पे ना एक पॉट सा होता है उसमें डालना होता है। तो सबसे पहले एक काम करता हूँ, रुको अब मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ क्योंकि वेस्ट नहीं करना, मैं एक बार देख लूँगा, ठीक है। पहले हम चेक करेंगे, ऐसे नहीं भाई, नहीं तो ऐसे जो 300 किलो हमने आयरन इकट्ठा करा है ना वो सारा वेस्ट हो जाएगा, इसलिए पहले हम देखेंगे। अभी पहले मैं ऊपर चलता हूँ वापस, ठीक है, अपनी जो ड्रिल मशीन है ना हम उसको लेके आते हैं पहले, फिर उसके बाद देखेंगे कि हाँ भाई जैसे मैं सोच रहा हूँ वैसे होगा, या फिर वहाँ पे वो ना प्रोसेस भी दिया होता है, वो साइड में दीवार पे है, तो मैं उसमें देख लूँगा, अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ ना तो हम उसमें चेक कर लेंगे कि हम गलत कर रहे हैं या फिर से। देखो वहाँ पे राइट में है ना, तो उसके बारे में मैं चेक कर लूँगा। फिलहाल तो जितना मुझे याद है ना इसको कहीं रखना होता है, यहाँ पे जगह होती है, हाँ देखो ये रही जगह, तो इसके ऊपर हमें इसको रखना होता है। एक सेकंड, थोड़ा सा बीच में रखता है ना यहाँ पे, ठीक है, रख दिया। और उसके बाद ना इसको उठा के ना हमें ऊपर कहीं डालना होता था, यहाँ पे ये वाली जगह, ठीक है, इसको मैं डालता हूँ। और इसको मैं करना होता फ्लिक, मैंने जहाँ तक मुझे याद था मैंने ठीक करा है। लेट्स गो भाई, ठीक है, तो बिल्कुल ठीक करा था। अपने जो ड्रिल मशीन है एक और वो रेडी हो चुकी है। और देखो यहाँ पे अपना जो ये वाली मशीन है ना, अच्छा ये भी बच जाती है, ठीक है ठीक है, मुझे याद आ गया भाई, ये भी कहीं जाती नहीं है, ये भी यहीं पर रहती है। अब हम जाएँ जितनी जो ड्रिल मशीन है उनको अपग्रेड कर सकते हैं हमें, और जो छोटी छोटी ड्रिल मशीन है ना उनको खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने पास एक होगी। तो बस हमें आयरन बार लेके आना है 300 केजी, और फिर उसके बाद बस हमने सिंपली उसमें डालना है, ठीक है, उस स्पॉट से में, और इसको अपग्रेड कर देना है भाई। ये काफ़ी ज़्यादा सही है, हमारे थोड़े पैसे बचते रहेंगे। अभी यार तुरंत ही ऊपर चले गया भाई, जैसे ही मैं वैसे ही ऊपर चल गया। और देखो अभी तो सिर्फ अपने पास एक दो मशीन हो चुकी है ना, हमें काफ़ी सारी मशीन्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो मुझे अभी काफ़ी सारा और जो आयरन है ना वो इकट्ठा करना पड़ेगा। चलो अब अपने पास दो मशीन्स हो चुकी है ना, तो अब क्या होगा कि अपने पास जो आयरन है, गोल्ड है और जो दूसरा आइटम है ना वो जल्दी जल्दी इकट्ठा होगा, तो अपना थोड़ा सा जो काम है वो फटाफट होने वाला है, ठीक है। इसको चलते हैं अपने ट्रक में रखते हैं, उसके बाद यहाँ से इसको लेके निकलते हैं उस वाली जगह पे जहाँ पे हमने जो थोड़े से सीड्स है ना टमाटो के वही खरीदेंगे। यार कैरेट वगैरह का कोई टास्क नहीं दे रहा भाई, कोई सारे टमाटो के दे रहे हैं भाई, कैरेट वगैरह का देता भी है या फिर मैं बिना फालतू में खरीद रहा हूँ इसको, मैं चेक करना पड़ेगा यार मुझे बंदों के पास जा के। नहीं तो ऐसे तो फिर मैं कैरेट खरीदूंगा ही नहीं, खाली मैं टमाटर ही खरीदूंगा। और उसका रास्ता यहाँ से तो सामने है ना, देखो ये रहा सामने, यहाँ से तो पास ही पड़ता है, यहाँ से राइट हमने घूमना है, ठीक है। उसके बाद ये रहा सामने रास्ता, यहाँ से हमें करना है अपने ट्रक को ऊपर ले भाई, ये आगे कोई बंदा जा रहा है, उसको ठोकना नहीं है। बच गया भाई साहब, बिल्कुल साइड में से निकाल लिया हमने, एक मिनट यहाँ पर ठोक दिया लेकिन मैंने। चलो इसको साइड में लेके चलते सबसे पहले यहाँ पे, और उसके बाद अब एक काम करते हैं अपना जो रोकड़ा है वो निकालते हैं। सबसे पहले टोकन है, और टोकन को हमने रखना है इसके अंदर, और उसके बाद जो वो वाटरिंग कैन है ना, कितने गए, चलो ठीक है, ज़्यादा महंगा भी नहीं है। और इसके बाद और कुछ खरीदने के नहीं, सीड्स वगैरह तो नहीं, और ये तो 210 टोकन के भाई। भाई इससे अच्छा मैं कॉइन से खरीद लूँ भाई, कॉइन्स अपने पास काफ़ी सारे हैं। 28 का हमें एक वाटरिंग कैन मिल चुका है। अब मैंने ये इसलिए खरीदा क्योंकि इसकी ज़्यादा ज़रूरत थी, नहीं तो मैं इसको भी नहीं खरीदता। अब हमें वैसे बकेट से भी काम चल जाता, लेकिन उसने हमें मुझे बार बार आना जाना पड़ रहा था, तो इसलिए मैंने भाई वाटरिंग कैन खरीद ही लिया। और अब एक काम करते हैं, ऐसे जो कैरेट नहीं खरीदने यार, कैरेट का कोई टास्क मिल नहीं रहा, तो मैं एक काम करता हूँ, ऐसे ना जो टमाटो वाले हैं ना इन्हीं को खरीद लेते, रुको इनको कंबाइन कर देते ना भाई, ऐसे करके इसको उठा के इसके ऊपर डालते हैं, ये तीनों एक ही पैकेट में आ जाएंगे। और उसके बाद मैं काम करता हूँ, इसके कितने 10 ले या फिर ज़्यादा ले लूँ मैं, 650 तो इसके भी बन रहे हैं, चलो मैं ले लेता हूँ, ठीक है, हम पूरे 10 ही ले लेते हैं, कोई चक्कर नहीं भाई, थोड़े से ज़्यादा सीड होंगे ना तो हमें ज़्यादा टमाटर मिलेंगे। ओके यहाँ पे एक और इसके अंदर, और एक और हो जाए भाई, कंबाइन कर देते हैं इसको, एक मिनट, अबे इसके ऊपर आना भाई, ठीक है, कितने पैसे हो रहे हैं, 1300, चलो कोई चक्कर नहीं, अपने पास 3033 कॉइन्स अभी और बचे हैं, तो इसको हम बाद में यूज़ करेंगे। फिलहाल तो अभी इन्हीं से हम काम चलाते हैं, इनको उठाते हैं सीड्स के पैकेट को, अपने ट्रक में लोड करते हैं, रख देते हैं, और अभी इसको लेके चलते हैं, ठीक है। अब हमें जाके जो अपने सीड्स हैं ना उनको बस शो कर देना है, और मुझे भी टास्क ढूंढना है, और मुझे वो देखना है कि वो वाला जो सूप हमने बनाया था ना कल रात को भाई, वो ख़राब हो गया या फिर वो ठीक है, नहीं तो मैं किसी और को जाके दे दूंगा यार उस कैरेट, क्या कहते हैं उसका जो सूप है ना टमाटो का, मैं किसी और को जाके दे दूंगा। तो सबसे पहले ना एक काम करता हूँ, मैं जो सामान है ना उसको नीचे उतारता हूँ, लेकिन एक मिनट रुको, पहले मैं ना वो देख लूँ कि इनको पानी की ज़रूरत है या फिर नहीं। अभी तो किसी भाई यार पानी की ज़रूरत क्यों नहीं पड़ रही इनको, मैंने भाई इतने टाइम से पानी दिया नहीं, फिर भी भाई इनको ज़रूरत नहीं पड़ रही पानी की, भाई ये ख़राब कुरूब ना हो जाए। चलो मैं एक काम करता हूँ, अभी रुको इसको साइड में उठाते हैं, रख देते हैं, और वापस है ना थोड़ी जो हम जगह है ना वो और यहाँ पे ऐसे बना देते हैं सीड्स को सो करने के लिए, 3 और 1 4 यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ से शुरू करते हैं, वहाँ पे रहने देते हैं, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा गैप देके 2 3 यहाँ पे और 1 यहाँ पे 4, ठीक है, इतना बहुत हो जाएगा। और अब एक काम करते हैं, अब जो अपना वो है ना सीड्स के पैकेट अच्छा यहाँ पे रख दी थी मैंने, तो इनको हम लगा देते हैं, ठीक है, इनके अंदर ना ऐसे करके एक सेकंड ऐसे करके एक यहाँ पे 2 3
चार पाँच छः सात आठ नौ दस, चलो पूरे आ गए भाई, ये पूरे के पूरे सीट्स लगे। और अब हमें एक काम करना पड़ेगा, वाटरिंग कैन है, रुको सबसे पहले मैं इसमें पानी भर के लाता हूँ, इसमें ऐसे हम करके पानी भर लेते हैं, ठीक है। और देखते हैं कि हम एक वाटरिंग कैन की मदद से कितने में पानी दे सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक इसको देता हूँ, एक इसको देता हूँ, ठीक है, दो, उसके बाद एक यहाँ पे तीन और एक यहाँ पे चार, चार हो गया, उसके बाद चार और दे सकता है, या फिर एक मैं, यार अभी पानी की ज़रूरत नहीं, वैसे मैं देख नहीं भाई, हम एक बार में चार जो प्लांट्स हैं ना उनको हम पानी दे सकते हैं, चलो ठीक है। और अभी इसमें कुछ डाला था क्या मैंने, नहीं कुछ भी तो नहीं है भाई इसमें, भाई कुछ ज़्यादा गर्म हो गया, उनको नीचे रख देते हैं इसको। और अब एक काम करते हैं, मैं एक बार मैप में देखूँ भाई कोई बंदा, एक सेकंड, एक बंदा अपने आसपास और है, ठीक है, इसको देख के आता है, इसको क्या चाहिए, यही है, ये तो यही है भाई, क्या चाहिए इसको, दस, ठीक है, इसको दस चाहिए। और हमने कितने का बनाया, हमने बारह का बनाया भाई, हमने, मैं इसे ले लेता हूँ भाई, नहीं तो ये भी भाग जाएगा ऐसे, ठीक है। इसको 10 कट टमाटो चाहिए, तो मैं फटाफट से जाकर ले भाई, तू दो एक्स्ट्रा ले ले, ये लेके चलते हम, कितने 12.5 था ये, एक मिनट मैं वापस चेक कर लूँ, 12.5, तो इसको हम 2.5 ज़्यादा दे रहे हैं, कोई नहीं भाई बेचारा खुश हो जाएगा। लेकिन यार इसको भी तो स्टार्ट करना होता है ना भाई, बताओ यार, अभी मेरे पास इतना सारा आयरन और गोल्ड इकट्ठा हो गया तो मैं स्टार्ट ही करना भूल गया उसको, चलो कोई नहीं, अभी हम जाके इन अंकल को दे देते हैं, ये लीजिए अंकल जी, आप ही लीजिए, वापस फेंक दीजिए, मुँह पर नहीं फेंकना भाई, मुँह पर फेंक रहा है यार, बताओ उसको, हम दे रहे हैं फिर भी मुँह पर फेंक रहा है वो। इसको मैं लेके चल के ना यहीं पर रख देता हूँ, हम कोई दूसरा कस्टमर ढूंढेंगे, तब तक एक काम करा जाए, ये गाजर का, यार नहीं गाजर का भी टास्क दो यार मेरे को, मैं वो दूसरी मशीन भी तो लाया यार, उसको भी तो हम लगा देते हैं ना, उसको भी तो वहाँ पे हम इंस्टॉल कर देते हैं इसके साइड में। तो इसको हम ना जो अपना ये हार्वेस्टर है इसके ऊपर करना है इस साइड, मेरे को थोड़ा सा रोटेट करके, हाँ यहाँ पे उसका मुँह साइड है ना, हाँ बिल्कुल परफेक्ट है। तो हमें यहाँ पे लगानी होगी पाइप्स, तो एक तो लगेगी कर्व वाली, रुको यहाँ पे दो अपने पास पहले से पड़ी है, तो इनको मैं काम करता हूँ, इनको पहले लगा देते हैं, ठीक है, इनको लगाते हैं, उसके बाद हमें आइडिया हो जाएगा कि हमें कौन कौन सी और कितनी कितनी पाइप चाहिए। तो एक तो कर्व वाली यहाँ पे डेफिनेटली लगेगी, उसके बाद यहाँ पे एक सीधी वाली लगाते हैं हम, एक यहाँ पे, ठीक है, एक यहाँ पे कर्व वाली लगेगी, उसके बाद एक हम लगाते हैं इसके यहाँ पे साइड में, ठीक है, दो यहाँ पे, एक कर्व वाली यहाँ पे, एक सीधी वाली पाइप और एक टी शेप वाली पाइप, ठीक है, हमें दो कर्व, एक टी शेप और एक स्ट्रेट वाली पाइप चाहिए। तो अभी हम चल के खरीद लेते हैं इनको, एक मिनट, पैसे तो लेके आने भाई, पैसे तो अपने पास सिर्फ यहीं पे है ना, मुझे थोड़े थोड़े पैसे ना भाई इन पे, मतलब जो मार्केट है ना वहाँ पे थोड़े थोड़े पैसे करके रख देने चाहिए। और इनको हम वो भी कर सकते हैं ना, इनको हाफ ऑफ भी कर सकते हैं, पता नहीं कैसे करते थे, मैं भूल गया यार, इसके लिए भी शायद, अच्छा पिकेक्स, आई थिंक शायद मुझे पिकेक्स चाहिए होती है भाई, टोकन, ठीक है, मैं इसे टोकन लेना भूल गया था भाई, बहुत ही सही बंदा था भाई ये, तो अभी कोई और होता भाई खा पी के भाग गया होता इतनी देर में, लेकिन भाई चलो इसने दे दिया हमें टोकन, इसको एक काम करते हैं इसमें डाल देता हूँ मैं। और अब एक काम करा जाए, चल के अपनी जो पाइप्स है ना उनको खरीद लेते हैं, ठीक है, उनको पाइप से खरीद के फिर हम जाके उस वाली जो मशीन है ना दूसरी, उसको भी हम एक्टिवेट कर देते हैं। तो एक हमें चाहिए ये वाली, एक नहीं दो चाहिए कर्व वाली, एक अपने पास पहले से पड़ी है वाली, चलो ठीक है बहुत बढ़िया, तो दो होगी अपने पास कर्व पाइप और एक हमें चाहिए बस टी शेप वाली पाइप। तो देखते हैं इनका भाई प्राइस कितना हो चुका है, 78, चलो कोई नहीं दे दो ये। तो सबसे पहले इस टी शेप वाली पाइप को लेके चलते हैं, ठीक है, पहले इसको लगाते हैं, इसको ना हमें वहाँ से पाइप को हटाना पड़ेगा, एक पाइप को मुझे यहाँ से हटाना पड़ेगा, तो मैं काम करता हूँ पहले इसको बंद कर देता हूँ। तो ये वाली जो पाइप ना, नहीं ये हमें गलत हटा ली, रुको यार इसको मैं वापस लगा देता हूँ, नहीं नहीं ये नहीं हटानी हमने, इसको मैं वापस यहीं पे इंस्टॉल कर देता हूँ, ऐसे रोटेट करके, नहीं ऐसे करके हम हटा लेते हैं, इस वाली पाइप को हटा लेते हैं, चलो कोई नहीं आगे वाले को हटा लेते हैं, और इसको ना हम ऐसे लगा के ऐसे कर देते हैं, एक सेकेंड, और अगर मैं इसको यहाँ पर सीधा लगाता हूँ तो इसको हटाना पड़ेगा मुझे, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे क्या क्या लगानी पड़ेगी, रुकना इधर तो सब कुछ ठीक है, दो बस मुझे दो कर्व पाइप चाहिए भाई, अपने पास वो वाली जो पाइप है ना वो हमने एक ज़्यादा ले ली, चलो कोई बात नहीं, ये पहले से पड़ी थी वैसे भी, लेकिन कोई नहीं अभी इसको चल के लगा देते हैं। तो एक पाइप ना इस साइड में लगेगी यहाँ पे, तो मैं एक लगाता हूँ इसके इधर ऐसे करके, इसको रोटेट करके, मुझे रोटेट भाई, ठीक है, एक लग जाएगी यहाँ पे, ठीक है, और एक बस पाइप लेके आनी है, उसको लगाना है वहाँ पे, उसके बाद जो अपनी मशीन है वो एक्टिवेट हो जाएगी, और उसके बाद हम देखते हैं कि अच्छे से वर्क कर रही है या फिर नहीं, तो इसको भी लेके चलते हैं। और एक मिनट यार, मुझे वो भी तो लगाना पड़ेगा ना, पाइप के बाद नीचे डर्ट भी लगानी पड़ेगी, तो डर्ट भी मैं लगाता हूँ अभी। तो सबसे पहले ये वाले जो पाइप है वो लग जाएगी यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे, ठीक है, पाइप को हमने लगा दिया। और अब एक काम करते हैं, इसको उठाते हैं और चलते हैं अपनी इस वाली माइन के अंदर, ठीक है। तो थोड़ा सा ना नीचे से मैं वो जो है ना क्या कहते हैं डर्ट है वो निकालूंगा, फिर रुको इसको मैं वापस यहीं पर रखता हूँ, थोड़ा सा और नीचे से यहाँ से, ठीक है, अब इसको चलते हैं और इसको जो अपनी ये वाली ड्रिल मशीन है ना हम इसको नीचे लगाते हैं इसके इसके साइड में करके यहाँ पे,
ठीक है, डॉट हमने लगा दिए और अब इनको ना हम चालू करके देखते हैं। तो सबसे पहले रुको, हमने यहाँ से बंद करना है, तो इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं और अब देखते हैं। ठीक है, वर्क कर रही है भाई, ये वर्क कर रही है। चलो, इसका मतलब मैंने बिल्कुल सही लगाया है। हाँ चलो भाई, कर रही है। तो ये अपना जो काम है वो बिल्कुल सही हो चुका है। बाकी अब हम एक काम करते हैं, ये अटक तो नहीं रहा, नहीं उसमें कुछ नहीं अटक रखा, सही काम कर रही है भाई। ठीक है, पूरा डॉट उसमें निकल के जा रहा है, यहाँ पे अटक रखा, लेकिन थोड़ा बहुत गोल्ड इसमें वापस डाल देता हूँ। ठीक है भाई, अपने पास थोड़ा बहुत अब जो गोल्ड और आयरन है वो जल्दी जल्दी अपने पास इकट्ठा होना स्टार्ट होगा। बाकी अब मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले जाकर रुकवा मैं मैप उठा लेता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे हम कोई दूसरा जो बंदा है ना उसको देखते हैं। एक बंदा और, ये तो वापस से ऊपर ही दिखा रहा है, उसके ऊपर ही। एक मिनट रुको, यहाँ से मैं सीधा जा, कहाँ जा रहा है, यहाँ पे हमें यहाँ जाना है। अच्छा, वो ऊपर ही वापस ऊपर जाना है जहाँ मैं एक दूसरा बंदा, भाई वो वापस तो नहीं आ गया वो बंदा जो मैं उस दिन मिला था, उस दिन क्या कल ही तो मिला भाई, 10 दिन थोड़ी हो गए। इसको मैं जाके देखती हूँ, इसको वही है या फिर कोई और है। यहाँ पे ऊपर ही था ना, कहाँ गया, ये तो दिखा रहा भाई इसकी लोकेशन कहाँ है। बिल्कुल मैं सही जगह तो आया हूँ, नहीं थोड़ा सा इस साइड में है, मैं गलत जा रहा हूँ, थोड़ा सा इधर है। ऐसे ऊपर चलते हैं, यहीं कहीं होना चाहिए यार वो, ये रहा, ये तो वही है शायद से, वही है भाई ये। क्या चाहिए इसको, 6? अबे बहुत सस्ता भाई ये तो, हमारे मतलब बहुत कम चाहिए इसको, 50 टोकन्स देगा इसके बदले ये मुझे। चलो ये तो सही है, लेकिन कैरेट वाला कोई नहीं मिल रहा यार, मुझे कैरेट वाला बनता चाहिए भाई। टमाटो तो अपने पास ख़त्म हो चुके हैं, कैरेट वाला बंदा चाहिए भाई, कैरेट वाला बंदा। अब एक काम करते हैं, मुझे अपना ट्रक लेके जाना पड़ेगा, कोई दूसरा बंदा ढूंढना पड़ेगा भाई। एक तो भाई चार बंदों का गुच्छा है, वहाँ पे मुझे काफ़ी सारे जो टास्क हैं वो मिल सकते हैं, तो मैं देखता हूँ कि किसी को कैरेट वगैरह चाहिए या फिर नहीं। यार वो जगह वो है, ब्रिज फोर है क्या? एक मिनट रुकना, देखने दो। हाँ वहीं पर है, जहाँ पे से हम मार्केट से सामान लेके आते हैं ना, वही जगह है। तो वहाँ पर 4 और एक कॉर्नर पर 5 बंदे, वहाँ पर 5 बंदों में से किसी ना किसी को तो कैरेट वगैरह चाहिए होगी यार। ये तो है नहीं कि सबको टमाटो चाहिए, नहीं तो भाई फिर वेजिटेबल वगैरह और क्यों देते हैं। चलो अभी हम जाके देखते हैं, ठीक है। अभी मैं जाके देखता हूँ कि किसी को कैरेट वगैरह चाहिए या फिर नहीं। तो मैंने 3 बंदों को देख लिया, लेकिन एक बंदा और बचा, उसको जाके देखना है कि उसको कैरेट चाहिए या फिर नहीं। और वो बंदा ये रहा, इसको क्या चाहिए देख लेते हैं। शू कह रहा भाई इसको कैरेट चाहिए, कितने चाहिए? 18। मैंने गलती से ले लिया भाई, मुझे आठ लगा था, पहले 18 कर लिया मैंने। 18 तो मेरे पास पता नहीं होंगे भी या फिर नहीं। वैसे अपने पास कैरेट 5-6 पड़ी है, और कैरेट का वेट भी थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, तो आई थिंक अपने पास 18 हो जाना चाहिए। पता नहीं यार, अब मैं बिल्कुल भी भाई मतलब श्योर नहीं हूँ कि अपने पास 18 होगा या फिर नहीं। चलो हम जाके देख लेते हैं, एक बार जाके चेक कर लेते हैं, नहीं तो फिर मुझे। चलो हमने टास्क तो ले लिया, इसका मतलब भाई वो बंदा वहीं पर रहेगा शायद से, जितना मुझे लग रहा है। तो हम जब अपने पास थोड़ी सी और कैरेट वगैरह हो जाएगी तब हम उसको जाके दे देंगे। फिलहाल तो अभी मैं जाके चेक करता हूँ, और अभी रात भी हो रही है ना, तो मैं आज सो जाऊँगा, ठीक है। वेट वगैरह चेक करके ना उसका, भाई साहब नीचे ही गिरा था भाई, कुछ ज़्यादा सस्ती ड्राइविंग हो जाती है यहाँ पे ब्रिज पे। चलो अब इसको लेके चलते हैं, ठीक है। हम कल सुबह जाके उसको दे देंगे, अगर अभी अपने पास 18 कैरेट हो पाई तो। इसको मैं यहीं पर लगा देता हूँ, ठीक है। यार वो मशीन ख़राब हो गई, एक मिनट रुको, अपना टूल बैग उठाते हैं, इसको पहले जाके। भाई ये बहुत ही बार ख़राब, बहुत जल्दी और बहुत ख़राब हो जाती है ये। और किसी चीज़ को रिपेयर करने की ज़रूरत है क्या? और किसी चीज़ को भी रिपेयर करने की ज़रूरत है नहीं, अपनी मशीन तो वर्क कर रही है। फिलहाल मैं काम करता हूँ, अपने जो कैरेट है ना, देखो ये ना, तो मैं सबसे पहले अगर एक काम करूँ, इनको ना पहले मैं इसमें डाल देता हूँ, क्योंकि फिर उसके ऊपर रखने में दिक्कत होगी ना। इसको हटा दो यहाँ से, ठीक है। ऐसे करके ना इसके ऊपर डाल देते हैं, तो एक ही बार में हम इसका वेट चेक कर लेंगे। यार देखो ज़्यादा कैरेट नहीं, सिर्फ 5। ये क्या हुआ ये भाई, ये 0-0 क्या आ रहा है? एक अच्छा कैरेट नीचे गिर गई, इसका मतलब इसके अंदर नहीं रख सकते, नहीं ऐसे नहीं रख सकते, इसको हमने वो करना पड़ेगा, आई थिंक चॉप करना पड़ेगा। यार ये नहीं हो पाएगी भाई, 1.91 का एक है भाई, तो टोटल कितना हो जाएगा? रुको देखता हूँ, मैं काम करता हूँ, मैं इसमें डाल देता हूँ इसको, ये 2, उसके बाद 3, ये 4, और 1 और 5वां, ठीक है। अब इनका जो 5 का वेट अगर हम नापे तो कितना हो जाएगा? कितना हो रहा है? 8 कुछ हो रहा है शायद से भाई, 8.12। यार ये तो काफ़ी ज़्यादा कम है, कैरेट मेरे पास और अभी है भी नहीं, मुझे वेट करना पड़ेगा यार। कैरेट के सीड भी मुझे लेके आने पड़ेंगे, चलो कोई नहीं, मैं कैरेट के सीड भी लेके आऊँगा, ठीक है। अभी अपने पास मुझे लग रहा था कि कैरेट की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन भाई पड़ेगी, ठीक है। काफ़ी कम बंदों को कैरेट चाहिए, लेकिन अभी मुझे कैरेट्स के सीड लेके आने पड़ेंगे। फिलहाल मैं काम करता हूँ, थोड़े जो पौधे हैं उनको पानी देता हूँ,
ठीक है, उसके बाद चल के मैं कैरेट के जो सीड है उनको लेके आता हूँ। तो ठीक है गाइस, आज के इस वाले एपिसोड को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको ये वाला एपिसोड बढ़िया लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जिसने अभी तक मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं करा फटाफट से जाके फॉलो कर लो, और फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। तो नेक्स्ट एपिसोड देखना बिल्कुल भी मत भूलना।